हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिद्धार्थ एंड आई एम अ रिसर्च स्टूडेंट एट IIT मद्रास। और सुदर्शन क्रिया के लिए मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि ये सच में बहुत अच्छा है, आप इसे ट्राई करिए। मैं एक बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का एस्पिरेंट रहा हूँ, 5-6 फेलियर्स कंटिन्यूसली 5-6 साल से देख रहा हूँ, हर साल सक्सेस नहीं। लेकिन और उसका जो एंगजाइटी इश्यूज था इतना बढ़ चुका था कि मैं सो नहीं पा रहा था। इवन मैं अपने रिसर्च के काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था, रिसर्च में भी फेलियर्स हो रहे थे और उसका प्रेशर इतना बढ़ गया था कि मैं सो नहीं पाता था। अगर सोना भी जाऊँ तो हार्ट बीट अचानक से इंक्रीज़ हो जानी, ये सब एंगजाइटीज इश्यूज और प्रीवियस थॉट्स वो आपको इस लेवल पे लेके चले जाते हैं ना कि आप डिप्रेस हो जाएंगे पूरी तरीके से, है ना। तो मैं सुदर्शन क्रिया के बारे में जानता था लेकिन कभी उसे ट्राई नहीं कर रहा था। लेकिन जब बाद में मुझे लगा कि नहीं, एक ट्राई से देना चाहिए, तो मैंने किया। ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई वॉज फीलिंग नथिंग, सो आई थॉट नो यार इट इज़ नॉट फॉर मी, आई एम फील नॉट फीलिंग गुड, सो आई थॉट टू ड्रॉप द to I thought to discontinue that workshop and drop my plan to continuing that workshop. But on the next day I thought let's give one more try, and on that day I put my 100% over, you know. And जब मैं उस वर्कशॉप के सेकेंड डे पे था और अपना 100% दिया उस दिन मैंने सुदर्शन क्रिया को, तो उसके बाद वर्कशॉप के बाद कंटिन्यूसली अप टू 5 to 6 hours का जो भी थॉट्स थे ना दिमाग पे, इतना ब्लैंक लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। मैं सोचना भी चाह रहा था, प्रीवियस थॉट को रिग्रेट फील करना चाह रहा था, लेकिन वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी। तो ये इतनी अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, अगर आप इसे कंटिन्यूसली कर रहे होंगे ना, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आपके फेस से स्माइल नहीं जाएगी। आप अभी मुझे भी देख के नहीं कहेंगे कि एक हफ्ते पहले लड़का डिप्रेस था। इवन अगर आप इनके टीचर्स को देखेंगे या जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे कंटिन्यूसली इस सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उन्हें देखेंगे उनके बात करने के तरीके पे, वो कभी भी आपको लगेंगे नहीं कि इंसान डिप्रेस है। अगर वो चीज़ें हैं भी ना, तो वो चीज़ें आपके बिहेवियर में नहीं आएंगी, या तो वो आपके कहीं ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके किसी पॉजिटिव पॉइंट्स इतने ज़्यादा होंगे कि ये निगेटिव थाट्स उतने उसका कम लगने लगेंगे। तो अगर उस चीज़ों को इंक्रीज़ करना है ना, तो आपको सुदर्शन क्रिया ट्राई करनी चाहिए।